है दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेनुइन इन्फॉर्मेशन और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों आज है सिक्स मे 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का एक छोटा सा शेयर सुबेक्स लिमिटेड के ऊपर इसके ऊपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और आज की डेट में अगर बात करें तो सुबेक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है और जिसके कारण आज हमें इस शेयर के अंदर बारह के ऊपर हमें तेजी भी देखने को मिला तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम सुबेक्स लिमिटेड के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे साथ में ये न्यूज़ का जानकारी भी आपको देंगे सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा दोस्तों सुबेक्स लिमिटेड एक छोटा सा आईटी सेक्टर का कंपनी जिसके ऊपर लास्ट कुछ दिनों से आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर ये शेयर के ऊपर कुछ बताइए जिसके अंदर आज की डेट में हमें करीबन 12 से 13 परसेंट के ऊपर हमें जम देखने को मिला है मात्र साठ रुपये का एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है अब ये तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है चलिए फटाफट -फड़ सबसे पहले हम न्यूज़ के ऊपर चलते उसके बाद हम सुबेक्स लिमिटेड के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करेंगे थोड़ा फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं सबसे पहले दोस्तों हम न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ का अपडेट है, 6th May 2021, आज की डेट पे दोपहर देर बजे के आसपास ये न्यूज पब्लिड हुआ था बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों स्पेशली सुबेक्स की शेयर होल्डर के लिए सुबेक्स पार्टनर्स विद दोस्तों एक बाहर का कंपनी है बाहर मतलब इंडिया के बाहर का कंपनी है फॉर ऑल ड्रिवन एग्रोमेंटेड एनालिटिक्स दोस्तों जैसे कि आपको पता है सुबेक्स एक आईटी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करता है उसके साथ साथ जो ये स्नो कंपनी है ये भी एक आईटी सॉफ्टवेयर से सेक्टर से बिलोंग कंपनी है दोनों कंपनी का दोस्तों अभी पार्टनरशिप हुआ है ऑल रिवेन ऑगमेंटेड एनालिटिक्स के ऊपर चलिए हम नीचे चलकर और डिटेल में जान लेते हैं कि ये पार्टनरशिप में कैसे फायदा होगा सुबेक्स लिमिटेड को देखिए क्या लिखा हुआ है सुबेक एनाउंस अ पार्टनरशिप विथ स्नोफ्लैक द डेटा क्लाउड कंपनी टू ब्रिंग द पावर ऑफ ऑल ड्रिबन एगमेंटेड एनालिटिक्स टू एंटरप्राइजेस यानी ये जो पार्टनरशिप हुआ है वो हुआ है कंप्लीटली एल ड्रिबन एगमेंटेड एनालिटिक्स को लेके और यहाँ पे दोस्तों सुबेक्स का क्या फ़ायदा होगा देखिए सुबेक्स हाइपरसेंस इज एन ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन्हेंस इनोवेशन एंड ग्रोथ एक्रॉस द बिजनेस थ्रो ऑल डिवेंट डिसीशन एनालिटिक्स यानी कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें साफ साफ देखने को मिलेगा दोस्तों आगे के कुछ क्वार्टर में और उसके साथ साथ इसका कंपनी का जो बिजनेस है उसके अंदर भी हमें दोस्तों काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकता है ये पार्टनरशिप के थ्रू और भी कुछ लिखा हुआ है देख सकते हो दोस्तों इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी थ्रू अ ट्रैक एंड ड्रॉप फंक्शन एंड डज नॉट रिक्वायर कोडिंग एक्सपर्टिस टू बिल्डिंग एनालिटिक्स मॉडल इट अनेबल बिजनेस यूजर टू इन्वॉल्व टू इन टू सिटीजन डेटा साइंटिस्ट एंड डिलीवर्ड क्विक एट होक यूज केयर तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि ये दोनों कंपनी का पार्टनरशिप हो चुका है और उसके साथ साथ दोस्तों सुबेक्स को यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रॉफिट मतलब यहाँ पे फायदा होने वाला है आगे कुछ क्वार्टर में उसका जो नंबर आएगा रिजल्ट उसके अंदर भी हमें साफ साफ देखने को मिलेगा अब बात करूँगा दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर बात करूँगा आज के रेट पर अगर बात करें शेयर प्राइस के अंदर ये न्यूज़ के चलते करीबन तेरह परसेंट के ऊपर हमें जम देखने को मिला क्योंकि ये जो पार्टनरशिप हुआ है यहाँ पे क्लियर कट दोस्तों सुबेक्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है अगर बात करें सुबेक्स का एक महीने का रिटर्न दोस्तों आप फैन हो जाओगे स्टॉक का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर 62 परसेंट का ह्यूज रिटर्न दे चुका है इसलिए दोस्तों मैं और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबेक्स लिमिटेड जैसे कंपनी अच्छा है आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है बट बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है इसलिए इसके अंदर आप उतना ही निवेश करना कल अगर शेयर प्राइस साठ से गिर के अगर दस में भी आ गया तो आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान उठाना ना पड़े ये मैं आपको बहुत पहले ही यहाँ पे क्लियर करके रखना चाहता हूँ अदरवाइज स्टॉक अच्छा है तो दोस्तों अगर बात करें छः महीने का रिटर्न तो देख सकते हो दोस्तों छः महीने पहले ये शेयर जहाँ पे सत्रह रुपये के आसपास चल रहा था आज की डेट पे साठ रुपये के आसपास पहुँच चुका है यानी छः महीने पे दो सौ छब्बीस परसेंट का रिटर्न बात करेंगे एक साल का दोस्तों एक साल पहले ये शेयर करीबन साढ़े तीन रुपये के आसपास था कैन यू इमेजिन साढ़े तीन रुपये वाला स्टॉक कोई उस टाइम पे इसको मतलब देखा भी नहीं था हो सकता है कि इग्नोर किया और साढ़े तीन से दोस्तों धीरे धीरे आप देख सकते हैं एकदम फ्लक्चुएट नहीं हुआ पर धीरे धीरे शेयर प्राइस के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिला और शेयर प्राइस पहुंच गया है सीधा सीधा साढ़े तीन रुपये से सीधा सीधा साठ रुपये पे डेढ़ हज़ार परसेंट का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर बट अगर आप देखोगे इसका मैक्सिमम चार्ट तो यहाँ पे आपको सब सारा खेल समझ आ जाएगा देखिए एक टाइम पे ये स्टॉक सात सौ रुपये के भी ऊपर हुआ करता था 2017 के टाइम पे, बट उसके बाद देखिए कंपनी का कुछ इंटरनल इशू एंड बहुत ज़्यादा डेब बढ़ गया था कर्जा बढ़ गया था यहाँ पे गेम चेंजिंग एक पॉइंट आता है अगर आप देखोगे दोस्तों जब से ये 2009 से लेके आज तक ऑलमोस्ट ग्यारह से बारह साल हो गया तो शेयर प्राइस में कोई बहुत बड़ा रैली नहीं आया बट अभी देखिए यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा करके देखिए एक अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो गया उसके पीछे रीजन क्या है देखिए एक तो कंपनी बढ़िया काम कर रहा है बट उसके साथ साथ सिर्फ काम करना तो बड़ी बात नहीं है कोई भी छोटे कंपनी पकड़ लो या बड़े कंपनी पकड़ लो हर कोई कंपनी का दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा जो चिंता होता है जिसको लेके वो है डेब यानी कर्जा दोस्तों कंपनी बहुत इतना अच्छा काम किया है तो कंपनी अपना जो कंपनी के अंदर जो डेप था कर्जा था जिसके अंदर कंपनी के शेयर प्राइस इतना ज्यादा गिर गया था तो उसके अंदर दोस्तों बहुत शानदार कंप किया और कंपनी को पूरा कर्जा मुक्त कर दिया यानी डेप फ्री कंपनी बना दिया देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कंपनी डेप फ्री तो कंपनी के ऊपर दोस्तों एक भी रुपए का कर्जा नहीं है और कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर से बिलोंग करते तो ये इसका भी एक एडवांटेज है क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल पैरामीटर कैसा है कंपनी का उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकेज करना दोस्तों क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में दोस्तों मार्केट कैपिटल के ऊपर बेस करके ये एक स्मॉल कैप शेयर है इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की कंपनी है बट इसमें आप स्मॉल क्वांटिटी शेयर खरीद सकते हो पी वैल्यूएशन ठीक ठाक है फिफ्टी वन के आसपास है बट आर ओ सी देखिए ट्वेल्व के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तीन के ऊपर है यानी काफ़ी ठीक ठाक है सबसे बड़ी बात फेस वैल्यू देखिए पाँच रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है यानी इन फ्यूचर हो सकता है शेयर प्राइस में और ज़्यादा जंप आए तो इन फ्यूचर में मैनेजमेंट में इसको स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर भी दे सकता है बात करूंगा कंपनी का कुछ टाइम पहले यहाँ पे आप देख सकते बासठ रुपये का अपना ऑल्ट फिफ्टी टू एक्स हाई भी लगाया था लास्ट ईयर ये कंपनी डिविडेंड भी दिया था जी हाँ दोस्तों ये बहुत लोगों को के शॉकट होगा कुछ टाइम पहले ये कंपनी डिविडेंड भी दिया था अपने शेयर होल्डर को देख सकते ये जो सेक्टर में बिलोंग करता है आई सॉफ्टवेयर में बड़े बड़े कंपनियाँ जैसे फीस ओड़ाकेल फाइनेंस इसके ऊपर आज की डेट में ऑलरेडी वीडियो बना चुका है और दो सौ का डिविडेंड दिया है लायरस एंड एंड डुब्रो टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े कंपनियाँ वही सेम आई सेक्टर से बिलोंग करता है अभी तक इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आए नहीं आया है तो होपफुल यहाँ पे जो बड़े बड़े एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार दोस्तों इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है दोस्तों बात करूँगी इसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे रिजल्ट देखिए एक टाइम पे जहाँ पे कंपनी के ऊपर लॉस हो रहा था तैतालीस करोड़ का चौहत्तर करोड़ का उसके बाद देखिए लगातार कंपनी ने प्रॉफिट बनाया इक्कीस करोड़ का पच्चीस करोड़ का फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थोड़ा सा खराब निकला करीब ढाई ढाई सौ करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ कंपनी को उसके बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन पर यानी पर्टिकुलर इस क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर पर कंपनी ने तीनों क्वार्टर में लगे अड़सठ करोड़ का प्रॉफिट बना लिया यानी कंपनी का दोस्तों धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है इसलिए कंपनी को आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा यहाँ पर आप देखिए जहाँ पे मार्च 2020 के हिसाब से जहाँ पे माइनास चालीस करोड़ का लॉस कर्जा था कंपनी के ऊपर देख सकते हो ये रिजर्व है कंपनी के पास जो कि आज की डेट में रिजर्व बढ़ के लगभग ढाई सौ करोड़ के ऊपर दो तो सौ चौसठ करोड़ के ऊपर कंपनी के पास रिजर्व भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ लग सकता है क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है एंड बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों पब्लिक के पास है नाइन्टी सिक्स परसेंट अब इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा हिस्सा और उसके बाद छोड़ के आदर्श लोगों के पास यहाँ पे थ्री पॉइंट फोर फाइव फोर परसेंट के आसपास है यहाँ पे आप देख सकते हो तो प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी जीरो एफ आई आई जीरो डी आई एस भी ना के बराबर है तो पब्लिक के पास ही ये कंपनी का मेन हिस्सा है तो दोस्तों आज की डेट में कैसा कारोबार हुआ चलिए यहाँ पे हम एन के ऊपर जाके भी देख लेंगे ये स्टॉक आपको एन एस सी दोनों के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा आज की डेट में तो बहुत तेज़ी देखने को मिला शेयर टोटल ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला करीबन छः करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ है उनमें डिलीवरी उठाया जा चुके हैं करीबन ट्वेंटी शेयर तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा ये कंपनी के ऊपर आप शेयर खरीद सकते हो बट उतना ही खरीदना कल अगर शेयर प्राइस में गिरावट आए तो आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान उठाना ना पड़े बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले दोस्तों वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करके जरूर इनकेज करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए टेक कर बाय जय हिंद